फिल्म लव हुआ है, पहला गाना आज रिकॉर्ड हुआ है। एक सैड रोमांटिक गाना है, थोड़ा सा सूफी टच लिए हुए। अली खान को डायरेक्ट कर रहे हैं और आर्ची जी प्रोड्यूस कर रही हैं। खान साहब के साथ पहले भी एक फिल्म में काम कर चुकी हूँ, उनसे प्यार और फिर से दोबारा मौका मिला है, तो क्वाइट हैप्पी, क्वाइट एक्साइटेड। और उम्मीद है कि आप सभी को ये फिल्म और इसका संगीत गीत पसंद आएंगे। किस तरह का गीत आपने गाया है, क्या किस मूड का गाना? सैड मूड है, सैड रोमांटिक कह सकते हैं, और थोड़ा सा वो सूफियाना जो अंदाज है वो है इस गीत में, थोड़ा सूफी टच लिए हुए है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, और डिफरेंट है इसलिए लगता है कि आप सबको पसंद आएगा। और इसके अलावा आपके क्या-क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? इसके अलावा काफ़ी सारे और हिंदी फिल्म सभी हैं जो जिसकी रिकॉर्डिंग अभी चल रही है, अभी आई नहीं है, तो जैसे जैसे आएगी आप सबको पता चल जाएगा। बोलिए। जो गाना रिकॉर्ड हुआ है, जिसके साथ शुरुआत हुई है, मुहूर्त हुआ है, दो लाइनें गुजरे हुए वो लम्हे भुलाए, भुला दिए तूने वादे सारे। गुजरे हुए वो लम्हे भुलाए, भुला दिए तूने वादे सारे हो, भुला दिए तूने वादे सारे। और इसके अलावा आप कितने गाने इस फिल्म में? इस फिल्म में तीन और गाने हैं जो भी रिकॉर्ड होने बाकी हैं, सब अलग अलग मूड के हैं। एक थोड़ा सा पेपी नंबर भी डांस है, रोमांटिक और है, और सैड हो चुका है, तो और जो रिकॉर्ड हमें बाकी है, धीरे धीरे सब आज शुरुआत हुई है। आप इस फिल्म में क्या भूमिका निभा रहे हैं इस फिल्म को लेकर? सबसे पहले तो के अली खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम मौका दिया हुआ है, और इस फिल्म की स्टोरी मैं खुद ही लिखाऊँ। और सबसे खुशी की बात यह है कि मैं बहुत दिनों से इस मौके की तलाश में था, जो आज मुझे फर्स्ट टाइम मिला है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा के अली खान साहब का, जो आज मुझे मौका मिला हुआ है। और
यानी राइटिंग फिल्म राइटिंग फिल्म आपने राइट किया है तो क्या सोच के राइट किया है, किस तरह की फिल्म होगी? सर सबसे पहले तो इस तरह की आज तक की मूवी बनी नहीं है जो लव स्टोरी के आधारित पर होना चाहिए। जो लोग आज लव को कुछ अलग तरह से पहचानते हैं, इस तरह इस फिल्म से कुछ अलग मैसेज जाएगा जो आज के लड़कों में जो आज फील्ड होना चाहिए। तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप, मैसेज देंगे या कुछ इसमें क्या, किस तरह से आपने इसको यानी क्या सोच के आपने मूवी लिखी? सर वही बता रहा हूँ सर कि ये जो मूवी में स्ट्रेटजी दिया हुआ है वो कुछ अलग है, क्योंकि आज की मूवी में जो लव दिखाया जाता है वो एक प्रकार से अलग दिखाया जाता है, इसमें कुछ अलग है। जो लोग प्यार के बारे में जो सोच रखते हैं, थिंकिंग रखते हैं, इसमें सोच बदलेगी, ऐसा इसमें कुछ दिया हुआ है। ये तो फिल्म जब रिलीज होगी उसके बाद में आपको पता ही चल जाएगा। सर आपका नाम बता दीजिए। सर मैं अनिल कुमार नागपुर से हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है अमित चक्रवर्ती। अमित जी, आप इस फिल्म में गाना गा रहे हैं, क्या है गाना? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डायरेक्टर सर का, के अली खान सर, और प्रोड्यूसर मैम आरची मैम का, जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि इन्होंने गाना गवाया। मूवी की कामयाबी के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मूवी का नाम है ब्लाइंड लव, और यहाँ पे मेरे को दो गाने मिले हैं, एक डुएट गाना है और एक रोमांटिक गाना है, और आशा करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। तो सर गाने का क्या मूड है जो आप गा रहे हैं, मतलब किस तरह का गाना है? जो डुएट है वो सैड मोमेंट्स पे है, और उसमें काफ़ी अच्छा इमोशनल इम्पैक्ट है, और जो रोमांटिक गाना है वो मिड रोमांटिक गाना है, उसमें डांस भी है, रोमांस भी है, तो मिक्स ब्लेंड है उसमें। कुछ आप सुना देंगे अपनी आवाज़ में? ये गाना नहीं तो कुछ और भी जो आपने गाया? यही गाना। गुजरे हुए वो लम्हे गुजारे, तोड़ दिए तूने वादे सारे। इसके बाद तो रिकॉर्डिंग हो गई वहाँ पे। दो गाने आप इसमें हाँ जी। और आपके आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट? हाँ अभी चल रहा है, कुछ बातें हो रही हैं, तो अभी तो मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसके बाद फिर नेक्स्ट वो डिस्कस करेंगे। सर मेरा नाम पवन मकवाना है, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, और मैं रिया मूवी में लीड कर रहा हूँ, और मैं पहले मूवी कर चुका हूँ, लास्ट वन शॉर्ट मूवी किया है मैंने, और नेक्स्ट मंथ या मेरा एल्बम भी रिलीज होने वाला है, तो ये मूवी के लिए मैं लीड कर रहा हूँ। और मतिमन बच्चों की मूवी है, तो इसमें मैम आर्ची मैम मुझे किया, मतलब लीड के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, और अली खान सर जी हैं जो उन्होंने मुझे चुना था। तो क्या मूवी में आप प्ले करके कितना शूट हो चुका है? मूवी का आधा शूट हुआ है, अभी जो मैं लीड कर रहा हूँ वो शूट होने का है, कॉलेज सीन बाकी है, और हॉस्टल हॉस्टल के सीन बाकी है। अभी आप शूट करेंगे? हाँ ये शूट किया, करना नहीं अभी, करना ही है। और कितनी तैयारी की है आपने? अभी बस पैकेज चालू है, बस वर्कशॉप चालू है। थैंक यू। मेरा नाम अमित कुमार है। क्या किरदार है मूवी में आपका, मूवी के बारे में क्या कर रहे हैं आप? मूवी में हम मतिमंद बच्चे का कैरेक्टर कर रहे हैं, और उस कैरेक्टर से हम को काफ़ी इम्प्रेस मिला और काफ़ी खुश हैं। और कितनी तैयारी की थी आपने उसको लेकर, जैसे कि आप शूट की बात करें तो शूट में क्या एक्सपीरियंस रहा? सर जैसे कि एक्सपीरियंस, जैसे कि सर इसकी तैयारी तो बहुत की है हम लोग। शूट भी किया होगा? हाँ सर शूट भी किए हैं। तो क्या एक्सपीरियंस था आपका शूट में, कैसा लगा आपको? शायद आपकी पहली मूवी होगी? जी सर पहली मूवी हमारी, और बहुत अच्छा लगा। और हेलो, मेरा नाम आरची है, एंड मैं जो ब्लाइंड लव मूवी है, जो लव स्टोरी है, उसमें प्रोड्यूस कर रही हूँ। और मेरा एक और भी ऑलरेडी कॉन्सेप्ट शुरू है जो रिया मूवी का, जो मेंटली रिटायर्ड बच्चों की ज़िंदगी पे है, उसमें मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद हूँ, और मेरे साथ में डायरेक्टर के अली खान सर भी है। और ये जो ब्लाइंड लव मूवी है, ये इसमें भी डायरेक्शन में के अली खान सर है, और अच्छा
चाहिए और इसको जो राइट किया है वो जो नागपुर के धक्काते जी है उन्होंने राइट किया इसको, और आई होप कि ये कॉन्सेप्ट चले क्योंकि ये लव स्टोरी है और एक अलग टाइप की लव स्टोरी है, तो पब्लिक को पसंद आए यही मैं होप करती हूँ। थैंक यू। क्या कॉन्सेप्ट है ब्लाइंड लॉ जैसे बात करें तो? ब्लाइंड लॉ यानी एक संदेश है जो प्यार करने वाले लोग हैं उनके लिए एक संदेश है ये कि किस तरीके से जो गलत फहमी रहती है लोगों में कि प्यार ऐसा होता है, प्यार गंदगी है, लेकिन ये ऐसा लॉ है कि एक मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को। कब तक जाएगी ये? अभी जल्दी शुरू जाएंगी, इसका कुछ कैरेक्टर भी फाइनल हो गए इसके और अभी वर्कशॉप इसका जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि बहुत आगे जाए ये मूवी और सब पसंद करे इसको। लोकेशन की बात करें तो कहाँ शूट करना है? यहाँ का इसका मोस्टली लोकेशन रहेगा तो नागपुर में ही, और कुछ मुंबई में भी इसका शूट होगा। ये तुम बोल रहे हो, शूट की बात करें तो स्टार कास्ट की बात करें तो क्या है स्टार कास्ट इसमें? सपोर्टिंग में मार्केट के लोग रहेंगे और जो न्यू स्टार कास्ट है वो नए लोगों को लॉन्च कर रहे हैं इसमें। कितनी तैयारी की है आपने अभी तो इसका? जो हो गया है उसकी तो खाली वर्कशॉप शुरू है और स्टोरी इसका स्क्रीन प्ले डायलॉग सब कंप्लीट हो गया है ये मूवी का, और अभी आज इसका गाना भी रिकॉर्ड हुआ ये ब्लाइंड लव मूवी का जो सोमिया जी ने गाया है। रिलीजिंग की क्या तैयारी की? मिनिमम तो मूवी को मिनिमम 1 ईयर लगता ही है, कितना भी ये करो तो मिनिमम 1 ईयर लगेगा इसको ऑन फ्लोर आने के लिए। थैंक यू। शॉर्ट में एजी खान है। एजी खान साहब, आपने मूवी में क्या भूमिका निभाई है जी? मतलब क्या भूमिका है आपकी जो मूवी बन रही है? मैं राइटर हूँ। आपने कहानी लिखी? जी हाँ। किस तरह की कहानी है ये? बलात्कार पर लिखी गई है कहानी, जो लोग बलात्कार करते हैं जो पैसा के बलबूते पे या तो किसी और बलबूते पे छूट जाते हैं, जिसका जो बदो है वो उसमें दिखाया गया है कि लोग छूट ना पाएं, जो बलात्कार करते हैं वो उनसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो छूट ना पाए उससे। इस तरह कॉन्सेप्ट बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत सारे आए हैं, बिल्कुल सही बताया आपने, पर ये जब फिल्म बनेगी तो पब्लिक उसको पसंद करेगी क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये बलात्कार पर लिखी गई है पर यह अलग, उसका कुछ सिस्टम बनाया गया है, उसका कुछ सजा ऐसे कुछ बनाई गई है कानून के बलबूते पे, वो दिखाया गया उसमें। आमिर साहब, इस फिल्म में आपका क्या किरदार है? सर, इसमें मैं एक एक्टर हूँ, इसमें भी रोल फिक्स नहीं हुआ है और पहली मरतबा शूट करने जा रहा हूँ के अली खान के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या किरदार है मेरा अभी फिलहाल बता नहीं सकता हूँ। कितनी तैयारी की है आपने और कितना एक्साइटेड है आप? तैयार हूँ सर मैं, लेकिन अभी रोल फिक्स हो जाएगा उसके बाद कुछ बता सकता हूँ। कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से। थैंक यू। जी मेरा नाम देवेंद्र लाड़े है। देवेंद्र जी, क्या कर रहे हैं आप इस फिल्म में? जी ब्लाइंड लव में एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ। किस तरह का यानी एक्सपेक्टर होगा वो? मतलब रोमांटिक होगा या मारदाड़ करने वाला होगा, क्या होगा? सर ये तो बिल्कुल मारदाड़ वाला ही होगा, हालांकि ये फिल्म रोमांटिक है लेकिन इसमें कुछ ऐसे सीन्स है जिसमें मारदाड़ है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये फिल्म बहुत ही सफल हो जाए। मतलब आपने कितनी तैयारी की? साहब तैयारी तो पूरी हो चुकी है, अभी देखते हैं कैसा चल रहा है। थैंक यू सर। सर मेरा नाम अलाउद्दीन खान है, मैं नाला सुपारा स्ट्री हूँ। तो अलाउद्दीन साहब, आपकी क्या भूमिका है इस फिल्म में? सर इस फिल्म में अभी मेरा रोल, पहले भी कई फिल्मों में काम कर चुका हूँ, एक जैसे समय युद्ध है और क्रिमिनल माइंड है और तुमसे प्यार है, वो सारे फिल्मों में मैंने हर एक रोल का सीन कर चुका हूँ मैं, और अभी ऐसी फिल्म जो है इसमें मैं, अभी मेरा रोल फिक्स नहीं हुआ है लेकिन इसमें मेरा काम जो है चालू है और आगे देखिए क्या होता है सर। और ये फिल्म के अंदर आने के लिए सर हमारे डायरेक्टर के अली खान का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो हमारे मतलब असलक जो इस काबिल हमको बनाया है, और आगे देखिए सर और आज तलक भी हमारे सपोर्ट करते आ रहे हैं, और अल्लाह से शुक्रगुजार हूँ कि उनको आगे और तरक्की अता फरमाए। थैंक यू।
करेंगे फिल्म को लेके, आज एक नई फिल्म का आपने मुहूर्त किया है, किस तरह की फिल्म है, क्या है और आज आप क्या कर रहे हैं? ये फिल्म एक लव स्टोरी है, ब्लाइंड लव यानी अंधा प्यार, और ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और ये दो भाषाओं में जो है ना शूट हो रहा है, मराठी और हिंदी। जबकि मैं जो है ना मराठी तो कभी करता ही नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने देखा तो इसलिए मैंने यस बोला और इसको मराठी में भी मैं कर रहा हूँ। और अभी जैसा कि आपने देखा इसकी आज रिकॉर्डिंग है गाने की, जिसमें अमित चक्रवर्ती जी और सौम्या वर्मा जी ये दोनों जो है सैड सॉन्ग गा रहे हैं। मतलब गाना कितना गाना होगा, कहाँ कहाँ लोकेशन है और कहाँ कहाँ शूट करने वाले हो, किन किन आर्टिस्ट को लेके आप ये काम कर रहे हो? हाँ, ये फिल्म जो है कुछ मुंबई की है और कुछ इसका शूट नागपुर में है, और गाने जो हैं अदर अदर जगह हैं, जैसे शिमला में हैं, मनाली है, देहरादून है, और कुछ अदर्स जो लोकेशन हैं वहाँ हम गाने शूट करेंगे, अदर्स अदर्स लोकेशन है। कॉन्सेप्ट ज़्यादातर मुंबई पे है। ये गाना कौन कौन गा रहे हैं? गाने इसमें जो हैं एक उदित नारायण जी हैं और अमित चक्रवर्ती जी हैं, सौम्या वर्मा जी हैं, डालिया जी हैं और मार्केट के कई लोग हैं जिनसे बात हो चुकी है, अब जो गाएंगे तभी उनका नाम लिया जाएगा। आर्टिस्ट की बात करें कौन कौन आपने साइन कर लिया? आर्टिस्ट में इसमें कई लोग हैं जो साइन में, अभी राजू श्रेष्ठा जी हैं और मेरी मोहन जोशी जी से भी है, उन्हें भी लेने के इरादे हैं, और अली खान जी हैं, के गोस्वामी हैं, रमेश गोयल जी हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बात जो है हुई है और उनको लेके मैं जो है काम करने वाला हूँ, और कुछ नए लोग हैं जो हीरो हीरोइन हैं, मतलब सपोर्टिंग में जो है काफ़ी जो लोग मिलेंगे। प्रोड्यूसर की तो आपने किसको लिया है प्रोड्यूस करने के लिए? इसमें प्रोड्यूस जो कर रहे हैं वो आर्ची जी हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्शन मैं ही कर रहा हूँ, और राइटर इसके जो हैं वो अनिल धकाते जी हैं, और जैसा कि मैंने बताया लिरिक्स राइटर में कामेश जी हैं, कामेश राज, और म्यूजिक डायरेक्टर में रविंद्र तिवारी हैं, और सिंगर में सौम्या जी बताया, सौम्या वर्मा जी हैं और अमित चक्रवर्ती जी हैं, और बाकी के कई लोग हैं जो मैंने बता दिए जिनसे बात हो चुकी हैं